हेलो तो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा, उसके अंदर जो वैकेंसियाँ आ गई हैं, तो उसी इंफॉर्मेशन से मैं आप लोगों को आज गाइड करूँगा कि इन लोगों की कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, किस चीज़ के अंदर वैकेंसी है, क्या है इनका सैलरी पैकेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करूँगा। तो वीडियो को पूरी लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चले जाना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो इस आप लोगों ने नीचे जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सिंपली से आप लोग इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो इस इंटरफेस पर आने के बाद सिंपली से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारी इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नज़र आ जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखें, जो पोस्ट नेम है वो मल्टीपल है। उसके बाद जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद डिपार्टमेंट देखें, नेशनल देखें, ऊपर पूरा इनका नाम भी लिखा है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ये NACTA है, इसका शॉर्ट नेम है। उसके बाद एजुकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन जो लोग मांग रहे हैं, बैचलर, ग्रेजुएशन, मास्टर, यानी आप लोगों ने अगर बैचलर किया हुआ है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर किया हुआ है तो फिर आप लोगों के लिए वेल गुड है, वैसे बैचलर वाला भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट 18 to 45, यानी कि जो अडल्ट लोग हैं 18 से अबव हैं, अब अंडर तो ऑन करें तो भाई खुशखबरी है, क्योंकि 18 वाले लोग 18 से लेके 45 ईयर तक लोग जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने का जो इनका फार्मूला है, आप लोग सुन के ही खुश हो जाओगे कि आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करने का इनका फार्मूला है। कोई जाके आप लोगों ने सिलेर ख्वार नहीं होना, आप लोग घर बैठ के अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डोमिसल ओवरऑल पाकिस्तान से, यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वैकेंसी परमानेंट है, यानी कि लाइफ टाइम जॉब है आप लोगों की, परमानेंट जॉब होगी। उसके बाद जो लास्ट डेट है इनकी वो 14 अप्रैल, यानी कि 14 अप्रैल 2023 तक है, यानी ठीक है, उससे पहले पहले आप लोगों ने इसका अप्लाई करना है। उसके बाद थोड़ा सा न्यू स्क्रॉल डाउन आप लोग ऊपर ऊपर करेंगे, यहाँ पे भी देखें इनका लिखा हुआ, ये नेशनल NACTA के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखें, ये इधर आप लोग नीचे आएंगे देखें, ये इनका पूरा इश्तहार खुला हुआ नज़र आ गया है। ये आप लोग इसको भी लाजमी पढ़िएगा, इसको पढ़ के पहले आप लोग फिर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इसको पढ़े बगैर आप लोग अप्लाई करते हो फिर ऐसा नहीं भाई, आप लोग पहले इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाए जब, तो फिर उसके बाद अप्लाई करेगा। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट, यानी कि अप्लाई करने का फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नीचे क्लिक कर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा हाउ टू अप्लाई, और नीचे लिखा हुआ क्लिक केयर। जैसे आप लोग क्लिक केयर पे मैं सिंपली से क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप लोग क्लिक केयर पर क्लिक करें, देखें आप लोगों के सामने ऐसे चार ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो दूसरी वेबसाइट खुल के आएगी, आप लोगों ने इसके ऊपर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों ने जो आप लोगों की CV होगी, जिसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखी हुई होगी, वो आप लोगों ने उसके बाद वो अपलोड करनी है। अपलोड करेंगे तो आप लोगों की CV अपलोड हो जाएगी, यानी कि आपका जो फॉर्म होगा वो उनके पास फिल हो जाएगा। सिंपली से क्या करना है, आप लोग रजिस्टर करना है इस वेबसाइट पे। उसके बाद आप लोगों ने ये उन लोगों की वेबसाइट है NACTA वालों की, आप लोग इस पर रजिस्टर करेंगे और अपने CV अपलोड कर देंगे। तो अगर वो आप लोगों की CV देखेंगे, आप लोगों से इंटरेस्टेड होंगे, तो आप लोगों से आपके फ़ोन नंबर पर या ईमेल पर आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो खैर, अल्लाह हाफिज़।